ताखीर इस तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीरे दाखला पाकिस्तान जनाब राना सनाउल्ला खान साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ और हाजरीन को अपने कीमती ख्याल से मुस्तफीद फरमाएँ। जी सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा साहेब MPA हलका, मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़हीम साहेब डायरेक्टर जनरल नादरा सरगोधा रीजन, उनकी टीम के तमाम अफसरान अहलकारान जो यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे हलका से और ख़ास तौर पे दो चक राम दिवाली से, इस यूनियन काउंसिल से और सरगोधा रोड से मुल्हिका इलाके से यहाँ पे मौजूद मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज नादरा के जिस दफ्तर का इफ्तिताह आज हुआ है, इससे इस पूरे इलाके में ये सहूलत होगी कि आपको शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए ना तो शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा, वक्त भी बचेगा और आप अपने घर में बैठ के बाइज्जत तरीके से अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं और ये सहूलत जो है ये आपको यहाँ पे आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो आपको हासिल है। और इस ऑफिस में जब मैं आज आया हूँ और मैंने देखा है कि जितना खूबसूरत ये ऑफिस बनाया गया है और जितनी ये मुनासिब जगह है, तो यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला पासपोर्ट का ऑफिस जो है वो भी आपको देंगे, ताकि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की सहूलत जो है वो हासिल करने के लिए आपको शहर जाना ना पड़े। बाकी आपके इलाके में जो तरक्याती काम इस एक साल की हुकूमत या पंजाब में, क्योंकि तरक्याती बजट ज़्यादा सूबे के पास होता है, पंजाब में दो माह की हुकूमत में जो कर सके हैं उसका बड़ी तफसील से चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा साहब ने ज़िक्र किया है। और अगर वो हुकूमत कोई दो महीने और रह जाती तो शायद और बहुत सारा काम जो कि अब आप मुतालबा करते हैं कि जो हमारे गाँव में सड़कें हैं कि उनको भी जो है वो बनाया जाना चाहिए, या ख़ास तौर पे पूरे इलाके में पानी के निकास का इंतज़ाम जो है वो नहीं है, जबकि इस शहर इस हलके के बीचों बीच दो सेम नहरें जो है वो गुज़रती हैं और बड़ी आसानी के साथ हर गाँव का जो है पानी उसका निकास जो है वो उन सेम नहर में हो सकता है और बड़े ही कम खर्चे में हो सकता है। और उसके बाद फिर आप उस गांव की गलियां बनाएं, उस गांव की सड़कें बनाएं और वो कभी जो है वो टूटेंगी नहीं। तो ये काम जो है ये इंशाअल्लाह ताला ये दो माह की हुकूमत में हमने ये बाईपास, ये सड़क 55 किलोमीटर जो पूरे हलके से गुज़र के जो है वो दूसरी तरफ जाती है, इसी तरह से और तरक्याती काम ये सारे जो हैं ये उस वक्त ADP में रखवाए और बाद में जब ये हुकूमत ना रही तो उसके बाद फिर जो हुकूमत आई उन्होंने आके इन मंसूबों के इफ्तिताह तो किए, लेकिन ये सभी को मालूम है कि ये ADP की मंजूरशुदा स्कीमें हैं और ADP उस वक्त बनती है जब बजट मंजूर होता है, और जब बजट मंजूर कराया हुआ या पास हुआ तो उस वक्त
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन अल्लाह का आप ये करम देखें कि दोबारा इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए और इनके बजट को जारी करवाने के लिए जो है अल्लाह ताला ने दोबारा हमें मौका दिया और आज बाईपास भी जो है वो मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला, और इसी तरह से बाकी काम जो है ये जो 55 किलोमीटर की सड़क है ये भी जो है वो इसी तरह से मुकम्मल होगी। ये एक साल की जो हुकूमत है, इस हुकूमत को आपने बड़े करीब से ये देखा होगा और ये आपने महसूस किया होगा कि इस फितने को जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है, ये 2014 से इसने अपनी सियासत का आगाज़ किया और एक धरने से और एक लॉन्ग मार्च से आगाज़ किया, और उसके बाद ये 2018 तक यही काम करता रहा, कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना, और कोई सियासी अमल ना उसका आगाज़ किया, बल्कि मुखालफीन के ख़िलाफ़ नफ़रत, गालियाँ, मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा तर्ज अमल जो काबिल बर्दाश्त ना हो, उसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। जब 2018 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ साजिश की, मियां नवाज शरीफ को एक जाली केस में जो है वो नाहिल करार दिया और इस बच्चे जमहूरे को जो है वो जाली इलेक्शन के ज़रिए से बरसे इकदार लाए, उनका ख़्याल तो ये था कि इसको बरसे इकदार ले आएंगे तो ये को अच्छे काम करेगा, ये मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएगा, ये मुल्क में जो है वो रिफॉर्म्स लेके आएगा, ये मुल्क में जो है वो करप्शन का खात्मा करेगा। लेकिन हुआ ये कि इसने बरसे इकतदार आते ही सबसे पहले तो ये किया कि इसने अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए। सबसे बड़ा इसका शिकार मैं हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ इसने एक ऐसा केस बनाया जिसको इसके अपने लोगों ने भी तस्लीम नहीं किया, जिसको दुनिया भर में किसी ने तस्लीम नहीं किया, और सब ने इसकी लान तान की कि ये तुमने क्या जो है वो काम किया है, ये किस किस्म का जो है वो झूठा केस बनाया है। मियां साहबान के ख़िलाफ़, बाकी तमाम कायदीन के ख़िलाफ़ जो है वो झूठे केसेस बनाए, और ख़ुद ये उस वक्त कहता था कि अगर कोई बीमार हो गया है जेल में तो उसे मेडिसिन ना दी जाए, क्योंकि ये तो सारा मकरो फरेब हो रहा है, ये बहाने साजी हो रही है। लेकिन अब आप मुकाफात अमल देखें कि अपना फिर हाल ये है कि ख़ुद वाकई जो है ये मकरो फरेब करता रहा और इसकी टांग के ऊपर प्लास्टर जो है वो 6 महीने से उतर नहीं रहा था और वो ठीक नहीं हो रही थी। जिस दिन रेंजर्स ने पकड़ा तो पहले ही झटके में जब सबसे पहले टांग ठीक हो गई और उसके साथ दौड़ लगानी शुरू कर दी इसने, तो ये फिर ये देखें कि इसका ये हाल हुआ और ख़ुद अपने मुखालफीन को जो है ये जेलों में भेजने का बड़ा शौक़ था, इसे मुखालफीन को जेलों में भेज के बड़ा खुश होता था और फिर ख्याल रखता था कि इनको वहाँ पे खाना तो नहीं मिल रहा घर का, इनको वहाँ पे मेडिसिन तो नहीं मिल रही, किसी के सेल में कोई पंखा या कोई एसी वगैरह तो नहीं लग गया। अमेरिका जाके भी वहाँ पे कहता था कि मैं अब जाऊँगा वापस और जाके मैं जेल में चेक कराऊँगा कि मियाँ नवाज शरीफ के सेल में कहीं को जो एसी तो नहीं लग गया, कहीं डॉक्टरों के कहने पे कि वो दिल के मरीज़ हैं उन्हें कोई सहूलत तो नहीं दे दी गई। अपना ये हाल, और अब हालत इसकी देखें कि जेल से इतना खौफ, जेल से इतना खौफ कि पिछले 4 माह जो है इसने लोगों को ढाल बनाए रखा, वहाँ पे बैठ के लोगों को ट्रेनिंग देता रहा,
लोगों की जेन साजी करता रहा, लोगों के जेनों में नफ़रत बोता रहा, नौजवानों को जो है वो गलत गलत जो है वो तालीम देता रहा, गलत तरीके बताता रहा, अपने पास से कहानियां घड़ घड़ के बताता रहा, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम तराशी करता रहा सिर्फ इसलिए कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। और जिस दिन गिरफ़्तार हुआ उस दिन फिर उन नौजवानों को जिनको इसने गुमराही का सबक पढ़ाया था, जिसको इसने गाली गलौज का सबक पढ़ाया था, जिनको इसने ये सिखाया था कि फ़ौज जो है वो मेरी दुश्मन है, जिनको इसने ये समझाया था कि फ़ौज के घरों पे और दफाई तनसीबात पे हमले करने अगर मुझको गिरफ़्तार किया गया, जो इसने एक बयानिया बनाया था कि मेरी गिरफ़्तारी जो है वो रेड लाइन होगी और उस रेड लाइन के बाद आपने जो है वो ये काम करने हैं, तो उस दिन इस मुल्क में मुट्ठी भर लोगों ने किसी शहर में कोई 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, इसके लिए किसी ने एहतजाज नहीं किया। किसी शहर में जो है वो कोई 10-20 हज़ार लोगों ने इकट्ठे हो के ये नहीं कहा कि इसको जो है वो आज़ाद किया जाए या इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा जो है वो गलत बना है। सिर्फ 250-300 छोटे शहरों में 100-150 वो लोग जिसको ये ट्रेंड करता रहा, जिसको ये इसने एक गलत सबक पढ़ाया, जिनको इसने जो है ये गुमराही के रास्ते पे डाला, जिनको ओए तोए का कल्चर जो है इसने सजाया, उन लोगों को जो है वो ये कहा गया और उन लोगों ने जाके दफाई तनसीबात के ऊपर हमले किए, लोगों के घरों पे हमले किए। अब आप बताएं, अब ये कहता है कि जी मैंने तो कभी वायलेंस की बात ही नहीं की। भाई तुम जो है ये पिछले 2014 से लेके अब 2023 आ गया, तुम करते क्या रहे हो? तुम क्या लोगों को ये कहते नहीं रहे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो उसका रिएक्शन होगा, लोग बाहर निकलेंगे, लोग जो है वो घराव करेंगे, लोग जलाव करेंगे, ये तुम्हारी तकारीर मौजूद हैं, तुम लोगों को ये कहते रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि जी मैं तो वायलेंस के ऊपर यकीन नहीं रखता। बाकायदा तुम्हारे घर से ये सारे काम जो है ये होते रहे हैं, तुमने लोगों को इस रास्ते पे डाला, क्या तुमने ये तुम ये कहते नहीं रहे कि आपके मुखालफ अगर नज़र आए तो उनको चोर कहो, उनको डाकू कहो, उनको गालियाँ दो? क्या तुम कहते नहीं रहे कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी स्कूल भेजें तो वो जाके दूसरी जमात के या दूसरी पार्टी के लोगों को जो है वो बच्चों को जो है वो चोर कहें, उनको डाकू कहें? ये गाली गलौज का कल्चर जो है जो तुमने ये इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले लोग इलेक्शन भी लड़ते थे लेकिन एक दूसरे के कायदीन का भी और एक दूसरे की जमातों का एहतराम करते थे, लेकिन ये नफ़रत जो है वो नौजवानों के जहनों में तुमने जो है वो बोई और उसका जो है वो नतीजा फिर ये निकला कि उन गुमराह नौजवानों ने लोगों ने जो है वो घरों को आग लगाई और लाहौर में जना हाउस जो कायदे आज़म का घर था, जिसमें कायदे आज़म जो है वो ठहरते रहे, जिसमें कायदे आज़म ने रहाइश रखी और बाद में उन्होंने वो फ़ौज को जो है वो अतिया कर दिया, उस घर का पहले घिराव किया, उसके बाद उस घर को लूटा और लूटने के बाद जो है वो आग लगाई। इसी तरह से वो शहदा जिनका नाम लोग इज्जत से मुकद्दस समझ के लेते हैं, उन शहदा की यादगारों के ऊपर जाके उनके मुजस्मों को जो है वो तोड़ा गया, वहाँ पे डंडे बरसाए गए, लोगों के दिलों के ऊपर जो है वो दुख के ऐसे वार किए गए कि वो लोग जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके उन बच्चों के वालद जो यतीम हो गए, जिनके
वालद ने अपने अपने वतन के लिए अपने बेटों बच्चों को यतीम किया, अपनी फैमिली को जो है वो बेसहारा छोड़ा, उनको जो है वो आपने रुलाया आपने, और उनकी निशानियों और उनकी यादगारों के ऊपर जो है आप लोगों ने डंडे बरसाए और आग लगाई वहाँ पे जाके। और अब उसके बाद जब पूरी कौम ने इसका जो है वो फैसला किया है कि ऐसे मुजरमों को कानून के कटहरे में लाया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए, तो अब जो है वो सारे छुपे फिरते हैं और दौड़े फिरते हैं। भाई बहादुर बनो, आओ सामने आके गिरफ्तारियां दो, कहो कि हमने ये किया है, और जो भी उसका जवाब देना है दो। लेकिन अब खुद भी जो है वो अंदर छुप के बैठा है और बाकी भी जो है वो सारे कोई किसी जगह पे जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जो इनके लीडर हैं वो तो इस तरह से गायब हुए हैं कि वो तो अपने कारकुनों की जो है वो खैरियत तक नहीं पूछ रहे, टेलीफोन जो है वो बंद किए हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला देखें, ये मकाफ़ात अमल होता है, जिस तरह का कोई रवैया अख्तियार करता है फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला की तरफ से फिर वैसा ही जो है वो अदले का बदला जो है वो मिलता है। ये पार्टी जिस तरह से बनाई गई अब उसी तरह से जो है ये फारग होने जा रही है, और जो नफ़रत का बोझ इन्होंने बोया था वही नफ़रत जो है वो अब इनको जो है वो उसी तरह से जो है वो इनको इनका निशान मिटा रही है, जिस तरह से ये दूसरों का जो है वो निशान मिटाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो तरक्की की सियासत की है, लोगों के भले की सियासत की है, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सियासत की है। मेरी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं मुख्तसरन तौर पे पाकिस्तान से वो मंसूबे, वो मेट्रो हो, वो मोटरवेज़ हों, वो बिजली के कारखाने हों, वो हॉस्पिटल्स हों, वो एयरपोर्ट्स हों, वो सी पैक का मंसूबा हो, अगर आप ये चीज़ें निकाल दें तो आप मुझे बताएं कि और कौन सा बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तान में बना है। और ये सारे मंसूबे जो हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बने। ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत, और ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस मुल्क की खिदमत। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने हमारे ऊपर एतमाद किया, गो इस 5 साल के अरसे में 4 साल तो ये नियाज़ी एंड कंपनी, जिन लोगों ने इस मुल्क को बहुत ही बुरे अंदाज से जो है वो चलाया, इसकी इकॉनमी को तबाह किया, और ये मुल्क जो है ये डिफ़ॉल्ट के करीब था, ये अगर और इनको मौका मिलता तो ये मुल्क को दिवालिया कर देते, ये भी अगर बचाया है तो हमने आके बचाया है। और ये जो 1 साल था ये आपके इलम में है कि 25 मई से ले कर ये 9 मई तक, ये पूरा साल जो है वो इसने कभी लॉन्ग मार्च, कभी घराव, कभी मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, कभी जो है वो मैं आके जो है वो सील कर दूँगा, कभी मैं इंसानों का समुंदर ले कर आ रहा हूँ, मैं आके हर चीज़ को बहा के ले जाऊँगा, अगर कुछ नहीं बना तो फिर मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। यानी हर वक्त इसने कोई ना कोई ऐसा अमल किया कि मुल्क में सुकून ना हो सके, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आ सके, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आता, मुल्क तरक्की नहीं करता, मुल्क आगे नहीं बढ़ता। इसका यही मंशा था कि मैं कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर करता रहूं ताकि मुल्क जो है वो सियासी तौर पे मुस्तकम ना हो, ताकि जो है वो तरक्की ना कर सके, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। तो ये इसका क्योंकि बदनीयती थी, इसका जो है वो एक गलत मंसूबा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, तो ये फिर देख लें कि ये अंजाम जो है ये अपने किस अंजाम को पहुँचाया। ये हमने नहीं इसे इस अंजाम को पहुँचाया,
ये जो अपना इसने इलाज किया, इसने खुद किया है, खुद इसने वो रास्ता अपनाया है, खुद इसने वो किया है कि जिसकी पादाश में जो है वो अब इसको जो है वो भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही रास्ता एक दफ़ा जो है वो कराची में भी अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो इख्तियार किया था, और उसके बाद फिर देख लें कि वो पहले तो हुकूमतों से लड़ता रहा, वो भी घराव जलाओ करता रहा, बड़ा कुछ उसने किया, लेकिन जब उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जब उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अपना बुग़्ज़ जो है वो बाहर निकाला, तो उसके बाद फिर उसका नाम नहीं किसी ने लिया। तो ये भी जो है ये अपने अंजाम को जो पहुंचा है, ये खुद पहुंचा है, और यही नफ़रत इसने जो है कौम में बोई थी। इंशाल्लाह ताला जो है वो लोग इसको समझेंगे, और इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने तो खैर वो अमल किया है, जिन्होंने एक ऐसा घिनौना फेल किया है कि उन्होंने घरों को आग लगाई है, दिफाई तनसीबात पे हमला किया है, और शहदा की यादगारों को जो है वो बेहुरमत किया है, उनका अंजाम तो वो होगा, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, और जो उनकी सज़ा बनती है वो बनेगी। बाकी जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उनको तौबा करनी चाहिए, और जिस रास्ते पे वो चल निकले थे वो एक गलत रास्ता था, उस रास्ते से वापस आना चाहिए। सियासत जो है वो सियासत की हद तक होनी चाहिए, उसे दुश्मनी में, नफ़रत में और मुल्क दुश्मनी में जो है वो कतई तौर पे जो है वो नहीं बदलना चाहिए। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, असम्बलियाँ अपनी मियाद पूरी करेंगी, और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा, और एक ही दिन में जो है वो इलेक्शन होंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी, और 31 मई 2018 को तरक्की का जो सफ़र रुका था इसको इंशाल्लाह ताला वहीं से जो है वो शुरू करेंगे। और जिस तरह से नागरा साहब ने कहा है, एक टेनोर अगर हम मिला तो इंशाल्लाह ताला आपको हम आके पूछेंगे कि आप बताएं कोई कोई काम है, और आप कहेंगे जी काम सारे हो गए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। मैं आखिर में दोबारा आप सबको इस नादरा ऑफिस की सहूलत पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और फहीम साहब को और उनकी टीम को और यहाँ पे जो अमला यहाँ पे मुतय्यन हुआ है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सहूलत जो है इस इलाके को, हमारे हलके को जो है वो फराहम की। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतरीन जो है वो खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। डेरे का ग्रीना मुतालबा जो था हल्के का वो पूरा कर दिया, वो डेरे का बता दें, ग्रीना मुतालबा था हल्के का। ये बात की है इन्होंने, आप दोस्तों का वैसे तो खैर शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना कोई इतना जो है वो मुश्किल नहीं होता, मैं भी आता जाता रहा हूँ, आप भी आते रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों का ये मुतालबा था कि जी हलके के अंदर जो है ना वो एक आपका ऑफिस जो है वो होना चाहिए। तो अभी ये बाईपास पे आपके बिल्कुल करीब, मेरा ख्याल है 10 मिनट में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो पिछले इतवार को उसका जो है वो इफ्तिताह किया, आज मैं सुबह 10-11 बजे से ले कर तो यहाँ आने तक जो है मैं वहाँ पर बैठ के जो है वो लोगों से मिलता रहा हूँ, और ये ऑफिस जो है ये आपकी सहूलत के लिए जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो उसका इफ्तिताह किया है, उसे बनाया है, और आप वहाँ पे जब भी आपको काम हो आप तशरीफ लाएं, मैं वहाँ पे आपका मुंतज़र रहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। जी देखें, इसमें जो उन्होंने 9, 10 और 11 को जो अमल किया है, उस अमल के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने जो है वो घरों को आग लगाई है, जिन लोगों ने जो है वो शहदा के यादगारों के ऊपर जो है वो ऐसा अमल बेहुरमती की है, जिन्होंने दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया है, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनेंगे, और उन मुकदमात के नतीजे में
अगर जमात पे पाबंदी लगती है या कुछ लोग जो है वो माइनस होते हैं, तो वो कोई हमारी ख्वाहिश नहीं होगी, बल्कि वो उनके अपने किए का नतीजा होगा, और जो उन्होंने किया है उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। देखें, तमाम केसेस जो हैं इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, तमाम जो उन्होंने मेरे घर पे हमला किया, जो उन्होंने ग़ुलाम अहमदाबाद में हॉस्पिटल, यानी आप इनका हाल देखें, इनका हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने हमला किया, और उसके बाद एक दिफाई अदारे के ऑफिस के ऊपर हमला किया, वहाँ की फुटेज मौजूद है, इनके टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं, वहाँ पे इनकी इनके जो अपना अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स, वो मौजूद हैं, इनकी अपनी गुफ्तगू जो है वो मौजूद है। तो इसलिए कोई बंदा जिसके ख़िलाफ़ ये सबूत हो, वो कैसे कह सकता है कि मैं बेगुनाह हूँ या मैं इसमें जो है वो शामिल हूँ। जिस आदमी की जो है वो वीडियो बनी हुई है कि वो फलां दफ्तर के सामने खड़ा है, पत्थर मार रहा है, आग लगा रहा है, वो किस तरह से कह सकता है कि जी वो मैं नहीं हूँ। तो इसलिए मकम्मल प्रूफ के साथ जो लोग गुनाहगार हैं, जो लोग मुजरिम हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं, उन्हीं को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा किसी बेगुनाह को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अगर कोई गिरफ़्तार इससे पहले हुआ है, उसे रिहा कर दिया गया है, उसे रिहा कर दिया जाएगा। देखें जी, हमारा तो ये मुतालबा है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। पंजाब में पहले इलेक्शन जो है वो दूसरे सूबों के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ होगा, तो इसलिए अब इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होंगे, एक ही दिन होंगे, और असम्बलियाँ जो है अपनी मुदत पूरी करेंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।